सो गाइस, तो क्या आप लोग एक डिजाइन वाइज और एक लुक वाइज फोन लेना चाहते हो तो आप लोग जो है टेक्नो कैमोन 19 प्रो ले सकते हो। इस फोन का जो प्राइस है जो कि 17,999, इस प्राइस रेंज में इस फोन का प्रोसेसर जो है काफी डाउन दिया हुआ है। जब फॉर द कैमोन 19 प्रो मॉन्ड्रियान एडिशन इट इज क्लियर दैट टेक्नो हैज कैप्चर्ड मॉन्ड्रियान स्टाइल टेक्नो कैमोन 19 प्रो, इसके बैक साइड में मल्टीपल कलर चेंजिंग बैग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एक कलर या फिर दो कलर तो चेंज होते हुए देखा होगा, लेकिन इसके बैक में जो बहुत सारे कलर चेंज होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देखने में तो सिंपल केवल व्हाइट कलर का है, लेकिन इस पे जैसे ही सनलाइट या फिर यूवी लाइट पड़ता है, ये अपना कलर डिफरेंट तरीके से चेंज कर लेता है। मतलब बहुत ही जल्दी ये अपना रंग बदल लेता है, और ठीक उसी तरह उसने भी अपना रंग बदला था। इस फोन को केवल और केवल एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, और इसका प्राइस है 17,999 यानी कि 18,000। तो क्या 18,000 में ये फोन आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं, क्या टेक्नो वालों ने इस फोन में खास चीज़ दिया है, सब कुछ आपको बताऊंगा, अपने तरीके से बताऊंगा कि आपको इस फोन को बाई करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ इस फोन के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें दिया गया है आपको मीडियाटेक का मीडियाटेक हेलियो G96, जो कि एक 12nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ प्रोसेसर है। इसमें आपको डे टू डे लाइफ यूजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और गेम की बात कर ले तो गेम भी आप जो है प्ले कर सकते हो, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन बैटल ग्राउंड गेम जो होते हैं उसको आप जो मीडियम सेटिंग पर ही प्ले कर सकते हो, हाई सेटिंग पर प्ले नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग दिखाई देने को मिलेगा। केवल और केवल आप मीडियम सेटिंग पर प्ले कर सकते हो। और डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.8 इंचेस की IPS LCD वाला पैनल दिया हुआ है, और इसमें आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट। कैमरा सेटअप की बात कर ले तो बैक में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, और इसमें जो है OIS का भी सपोर्ट दिया हुआ है। और सेकेंडरी जो है मतलब कि दूसरा कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट सेंसर दिया हुआ है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है, और इसमें आप जो 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट में बात कर ले सेल्फी कैमरा की तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जिसमें कि आप 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इसमें दिया गया है 5000mAh का एक बड़ा बैटरी, जिसमें कुछ चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में ही मिल जाता है 33W का फास्ट चार्जर, जो कि फोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। आई थिंक 1 आवर में तो चार्ज कर ही देगा, और बैकअप भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस, तो अब बात कर लेते हैं क्या आपको इस फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस फोन का जो प्राइस है जो कि 17,999, इस प्राइस रेंज में इस फोन का प्रोसेसर जो है काफ़ी डाउन दिया हुआ है, जबकि मार्केट में इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन भी हैं, और इसमें जो है LCD वाला पैनल भी दिया गया है, जबकि इस प्राइस रेंज में AMOLED होना तो जरूरी ही था। तो इस प्राइस रेंज में एक और स्मार्टफोन है मार्केट में, जो कि Poco X4 Pro 5G, ये आपको मिल जाएगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज केवल और केवल 16,500 में, और इसका 8GB और लेना चाहते हो आप तो ये आपको मिल जाएगा 18,500 में, तो 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको जब आपको इस फोन का 8GB वाला वेरियंट चाहिए तो। और इस वाले फोन में दिया गया स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि उस वाले प्रोसेसर से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और इस वाले स्मार्टफोन में जो है AMOLED पैनल भी दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, इस प्राइस रेंज में AMOLED पैनल होना जरूरी है। सो गाइस, तो क्या आप लोग एक डिजाइन वाइज और एक लुक वाइज फोन लेना चाहते हो तो आप लोग जो है टेक्नो कैमोन 19 प्रो ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि एक ऑलराउंडर और एक बढ़िया परफॉर्मेंस बढ़िया कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए होता है, तो आप लोग जो है Poco X4 Pro 5G ले सकते हो। तो मैंने तो आप लोग को सब कुछ बता दिया, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।